Assembling students, starting with the name of Allah, now we start our today lectures upon page number 34. I hope aapki id achhi guzri hogi. Now I start our today lecture, highest common factor. Last mein unit ke start mein hum logon ne mass factors aapko bataye the, fir uske baad prime factors bataye the. Ab aa gaya HCF, theek hai. Par addition ka method bhi aapko bataya tha, two methods hote hain, by division और by tree method से, ठीक है. प्राइम नंबर के मेथड से और बाय डिवीजन के मेथड से, दोनों मेथड से हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग आज न्यू चीज़ आप लोग सीखेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे HCF. H मीन हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर्स. अब सबसे पहले आप लोगों को टू वैल्यूज इसमें गिवन होगी, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, अब आप थ्री से भी हो सकते हैं. टू वैल्यूज़ गिवन है, पहले फर्स्ट आप लोग स्टेप में दोनों को फैक्टर्स बनाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, उनमें से आप देख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप में जस्ट आप इसके नेम से देख लें, फर्स्ट स्टेप में आप फैक्टर्स, नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन फैक्टर, थर्ड स्टेप में जब कॉमन फैक्टर आ जाएगा उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. आपको यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है 12 और 8 की. तो 12 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में लाइक करता है, और 18 1 2 3 6 9 और 18 के टेबल में लाइक करता है. अब फर्स्ट हम लोग ने फैक्टर्स बना लिया, नेक्स्ट देखें कॉमन फैक्टर. अब कॉमन फैक्टर जब इसमें से हम लोग लेंगे तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 3 एंड 6, ये सारे इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है. अब कॉमन फैक्टर्स में से हम लोगों ने देखना है कि इसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है. नाउ कॉमन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आ जाएगा 6, क्योंकि वहाँ वैल्यूज़ में जब हम लोग कॉमन फैक्टर्स में देखते हैं तो 6 सबसे बड़ी वैल्यू है. आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हम लोग इसमें करते हैं, आप लोगों ने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है. फर्स्ट आपने जस्ट HCF फाइंड आउट किया था कि हम लोगों ने फैक्टर बनाया, कॉमन फैक्टर लिया और उसमें हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया. लेकिन अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है, HCF फाइंड आउट करना होता है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन. और प्राइम फैक्टराइजेशन के एक मेथड ये है, HCF फाइंड आउट करना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से. इसमें 12 और 21 दोनों को हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स ले लिए, डिवाइड कर लिए दोनों को, लेकिन डिवाइड जस्ट प्राइम नंबर पे ही करना है. जैसे 12 को फर्स्ट 2 पे किया, अगेन 2 पे किया, फिर लास्ट में 3 पे कर लिया, जैसे 21 को 3 फिर 7 पे कर लिया, ठीक है. यानी कि इनके प्राइम नंबर ही है, जितने फैक्टर्स बन रहे हैं प्राइम नंबर 2, 2, 3 और 3, 7, आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स. अब इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें 12 और 21 का 3 है, इट्स मीन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही फैक्टर मौजूद है, इट्स मीन इसका यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, विच इज़ 3. अब इस तरह से आपको 3 वैल्यूज़ गिवन है. आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं 52, 78 एंड 130. आप इनके पहले प्राइम नंबर्स ले लिए, प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग इनकी उस इनको डिवाइड कर दिया गया. 52 को भी, 78 और 130 तीनों को फैक्टर्स ले लिए गए. 52 के 2, 2 और 13, 78 के 2, 3, 13, 2, 5, 13. अब तीनों में पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन तीनों में आ रहा है 2 एंड 13, ठीक है. सिंपल मेथड में तो हम लोग ये किया करते थे HCF में कि जब कहा जाएगा जस्ट HCF फाइंड आउट करें तो हम लोग वैल्यूज़ के फैक्टर्स बना के कॉमन लेके तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देते हैं. लेकिन जब प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, जब वहाँ पर जितने भी फैक्टर्स कॉमन आ जाते हैं तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वही इसका HCF होता है. फर्स्ट एग्जाम्पल में जस्ट 3 फैक्टर था इसलिए आंसर 3 था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वैल्यूज़ है, 2 और 13. अब इसमें 13 तो हाईएस्ट है लेकिन हम लोग 13 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26. इट्स मीन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 है. इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है. क्वेश्चन इसके आपने वेन डायग्राम के अलावा बाकी तमाम क्वेश्चन इसके आपने सॉल्व करने हैं. आई होप आप लोग कर लेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.